वल्लभ महाविद्यालय में हिंदी भाषा के प्रयोग व महत्व पर आधारित हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईडी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व महाविद्यालय में पूर्व में हिंदी विभाग के अध्यक्ष धर्मपाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आईडी शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला में हिंदी भाषा के प्रयोग व महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाषा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है और भाषा के द्वारा राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की जा सकती है। वहीं विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित सेवानिवृत्त हिंदी विभाग के अध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि हिंदी न केवल राजभाषा है बल्कि राष्ट्रभाषा है। उन्होंने कहा कि संपर्क भाषा भी हिंदी है और हिंदी को वैश्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयास किए जा रहे हैं। इस महाविद्यालय में हिंदी विभाग का विभागाध्यक्ष रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, किसी कक्ष में मैं विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाता रहा हूँ और ये इस महाविद्यालय का सौभाग्य है कि एक पूरा 15 दिन चलने वाला एक अखबारा हिंदी को लेकर के पहली बार यहाँ आयोजित हो रहा है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हिंदी न केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, अपितु संपर्क भाषा भी है और कमोवेश 84 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस भाषा को व्यवहार में लाते हैं। संप्रेषण, संयोजन और संकलन की दृष्टि से इस भाषा का कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये भाषा निरपेक्ष भाषा है, जिसे हम एक शब्द प्रयोग में लाते हैं, धर्म निरपेक्ष। विश्व में यदि कोई भाषा धर्म निरपेक्ष भाषा है तो उसका दर्जा केवल और केवल हिंदी को प्राप्त हो सकता है। इस अर्थ में मैं यह मानता हूँ कि हिंदी को वैश्विक भाषा का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में घोषित होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसमें, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है, दो भाषाएं जिनका उल्लेख यहाँ बच्चों ने किया है, चीनी और अंग्रेजी भाषा, वो आने वाले समय में पिछड़ सकती है। उसका एक कारण यह है कि भाषा के विकास में यांत्रिक विकास अंतिम विकास होता है और अंग्रेजी उस विकास को हासिल कर चुकी है। चीनी भाषा अंग्रेजी का अनुसरण कर रही है। चीन का सारा व्यापार जिस भाषा में प्रेषित होता है, व्यवहार में लाया जाता है, वो अंग्रेजी है। तो इस दृष्टि से इन दोनों भाषाओं का पिछड़ना आने वाले समय में स्वाभाविक है। मैं आज के इस पखवाड़े के इस विशेष दिन अपनी हार्दिक शुभकामनाएं